भैया क्या होता है बजाज सेल लगाने से जो लगा रहे हो आप बॉडी पे? ये तेरी साइड में निकली पूरी पूरी से बाहर बाहर चली चला गई होगी. कैसी है मेरी YouTube फैमिली, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, बढ़िया होंगे. आज आए हुए हैं मयूर विहार फेज वन में, जहाँ हो रही है नॉर्थ इंडिया चैंपियनशिप. ये देख सकते हो आप, व्लॉग में आने वाला है बहुत ही मजा. व्लॉग को बिल्कुल भी स्किप मत करना, लेके चलते हैं आपके लिए अंदर. एंट्री होने जा रही है, जो यहाँ के चेयरमैन भी हैं सुनील चौधरी, और उनका आज बर्थडे भी है, तो उनका बर्थडे विश करते हैं. आइए आपके लिए दिखाते हैं. अगर किसी साथी को लगता है डिसीजन गलत है और वो सेटिस्फाई नहीं है जज के डिसीजन से, तो वो अपना ऑब्जेक्शन जज के पास जाकर के वो करा सकता है, लेकिन बिल्कुल भारत भाषा में बिल्कुल शालीनता के साथ. ठीक है साथियों, तो अभी डायनिंग स्टार्ट हो गया, इसके बाद कॉम्युनिटी स्टार्ट होने वाला है. आप सब लोग बैठिए और इंजॉय कीजिए गेम शो. बहुत बहुत धन्यवाद. यहाँ सारे एथलीट अपना प्रोटीन कर रहे हैं. सभी नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के पार्टिसिपेट जल्दी स्टेज पर आ जाए. शुभम सागर, शुभम सागर, हाथ से मसल के फिर ऐसे मसल. अनमोल, तेल देना एक लगाते हैं, तेल दे. अनमोल भैया क्या होता है बजाज तेल लगाने से जो लगा रहे हो आप बॉडी पे? बजाज भाई, बजाज तेल लगाने से बॉडी में शाइनिंग आ जाती है. अच्छा, इसके ऊपर प्रोटीन वगैरह, इसके ऊपर ड्रीम टैन लगाएंगे. अच्छा, उससे फिर वो बॉडी चमकेगी. देखा मेरे को, देखा फूल का पेड़ जो ये ऊपर एक्स्ट्रा लगा हुआ है ना, इसके तेल का ये पूरा बॉडी में यहाँ लगा, इसके यहाँ रहा. भैया कोच हो इनके? हाँ कोच हो. भाई है यार हमारे. अच्छा, भाई है. हम भाई है सब. अच्छा, कितने दिन की तैयारी है भैया इनकी, भैया की? भाई ज़्यादा तो नहीं, 3 से 4 महीने की तैयारी है. बीच में थोड़ा सा बिजी भी हो गए थे शेड्यूल में. 4 महीने आप मान सकते हो. 4 महीने भैया आप मेन फिजिक में खेल रहे हो? मेन फिजिक में. कौन सी कैटेगरी में? बिलो 5 सीनियर में. ये चीज देख रहे हो भैया की? बस ये चीज कुछ खतरनाक लग रही है भाई देखने में. We'll be right back.
शैलेश यादव और नितिन स्टेज मास्टर भैया इनका फाइनल कंपटीशन ले गया है इनमें से ही फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ आएंगे फर्स्ट तो आपको दिख गया होगा आइए आपको लेके चलते हैं प्रवीण भैया के पास में जो थर्ड और सेकंड प्लेस लेके आए हैं नेचुरल कैटेगरी में वो लेके आए हैं थर्ड प्लेस और बॉडी बिल्डिंग में लेके आए हैं सेकंड प्लेस यहां से पीछे आ जाओ सारे तो ये है हमारे प्रवीण भैया भाई बहुत थक गए हैं बहुत ज्यादा थक गए हैं भाई दो दिन से भूखा दो दिन से भूखे हैं भैया और ये भैया के गुरुजी गुरुजी ने मेडल टांग रखे हैं देखो अपने इसी के लिए हमारी जो मेहनत है वो सब इसी के लिए जो दो दो दिन पानी नहीं पीते एक एक हफ्ता दस दस दिन नमक नहीं खाते हैं और एक एक महीना रोटी छोड़नी पड़ती है जो एक एक महीना हम रोटी छोड़ते हैं वो इसी वजह से मेडल के इस ट्रॉफी के लिए भैया ट्रॉफी कहाँ है आपकी ट्रॉफी ये है भैया की ट्रॉफी नेचुरल में लेके आए हैं थर्ड प्लेस बॉडी बिल्डिंग में लेके आए सेकंड प्लेस बहुत बढ़िया कंडीशन है एक बार फ्लेक्स कर दीजिए आपके रखे ये तो भैया कॉन्ग्रेचुलेशन आपके लिए गुरुजी आप कुछ कहना चाहोगे जो नई जनरेशन देख रही है आजकल की बॉडी बिल्डिंग करना चाह रही है बॉडी बिल्डिंग जो है वो सिर्फ एक्सरसाइज का या ये नहीं है कि जो लोग आजकल कहते हैं कि प्रोटीन ले लिया और बॉडी बना ली तो वो नहीं है उसके अलावा जो 22-23 घंटे डाइट फॉलो करना पड़ता है 3-3-4-4 घंटे वर्कआउट करना होता है तो बॉडी बिल्डिंग इज अ टफ गेम तो इतना आसान नहीं है और मेरे हिसाब से यह है कि हर एक बंदे को अपनी हेल्थ के लिए तो करना चाहिए कम से कम चाहे भले ही आप मिस्टर यूनिवर्स या मिस्टर इंडिया ना बने कम से कम आप फिट रहे हेल्दी रहे जो कल को आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ना पड़े तो अपनी हेल्थ सबसे पहले है चाहे कोई भी अदर पर्सन है जरूरी नहीं आप बॉडी बिल्डिंग करें लेकिन आप फिट रहे हेल्दी रहे स्वस्थ रहे मैं यही कहना चाहूंगा देख सकते हो भैया ने कितना अच्छा मैसेज दिया है तो थोड़ा ध्यान दो और फिट रहने की कोशिश रहो कोशिश करो जहाँ तक मेरा मानना है फिट रहो अगर आप बॉडी बिल्डिंग नहीं करना चाह रहे या अदरवाइज कुछ नहीं करना चाह रहे तो मतलब थोड़ा बहुत अपने आप को फिट रखो और नशे पत्ते से दूर रहो Get it.
टाइगर शायद पीछे करके बटन खोल देंगे फिर बोल बेटा कोई बात नहीं कोई बात नहीं ये तेरी शायद में निकली पूरी पूरी शायद बाहर बाहर ऐसी होगी बेटा पता नहीं चल रहा है ना सौदा को नजर ही नहीं आ रहा हमारे भी क्या कर रहे हैं क्वाडोरा अभी बात हो रही है अगली बार तुम्हारा बेस्ट मॉर्निंग होगी अभी ऑफ पे है भाई I know you're scared, you wanna hide away sometimes. I know you heard from everyone telling you lies. I bet you just wanna lose your mind. Championship तो भैया चल ही रही है यहाँ पर और मेरे को निकलना पड़ रहा है 10 बज गए रात के काफी टाइम हो गया और आप देख सकते हो अभी भी काफी क्राउड है मेरे पीछे तो चैंपियनशिप काफ़ी अच्छी रही रात के 10 बज गए मेरे को निकलना पड़ा यहाँ से क्योंकि काफ़ी टाइम हो रहा था तो बस यही कहना चाहूँगा अगर आपने पूरी वीडियो देखी हो तो आप उन्हें भी काफ़ी एंजॉय करा होगा वीडियो के अंदर थैंक यू लव यू ऑल ब्लॉग का करते हैं यहीं एंड